हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये वीडियो आपसे शेयर करूंगी, आलिया कट कुर्ती। ये अभी बहुत फैशन में चल रहा है तो सब लोग ये बहुत पसंद कर रहे हैं, तो मैं आपको ये रिक्वेस्टेड वीडियो आपको बताने जा रही हूँ, कटिंग और स्टिचिंग। इसलिए आप वीडियो को पूरी देखिएगा, बीच में इसकी मत कीजिएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो ये सूट का पीस है, नॉर्मल मैं पीस ली हूँ, तो पीस से मैं बनाऊँगी प्लाजो पैंट। और आलिया कट कुर्ती बनाने के लिए मैं यहाँ पर लेस ली हूँ, एक मीटर सिर्फ नेक डिजाइन बनाऊँगी। और यहाँ पे कपड़ा है अढ़ाई अढ़ाई मीटर का है, ऊपर के जो घेर बनाऊंगी कुर्ती वो अढ़ाई मीटर है, और प्लाजो जो बनाऊंगी वो अढ़ाई मीटर है। तो मैं दोनों को मिक्स करके मैं डिजाइनर कुर्ती बनाऊंगी, आलिया कट कुर्ती। तो यहाँ पे मैं कट कर ली हूँ पैंट के कपड़े से, प्लाजो के पैंट के कपड़े से निकाल ली हूँ यहाँ पर। तो ऊपर के पार्ट के लिए मैं यहाँ पर 16 इंच ले रही हूँ, पूरा लेंथ मुझे कुर्ती का 42 इंच रेडी करना है। उसमें से मैं 2+ करके 44 इंच कटिंग करूँगी, तो 44 में से 16 इंच का ये योग पट्टी मैं कटिंग कर रही हूँ, बैक पल्ला और फ्रंट आर्म होल। और शोल्डर मैं ली हूँ 6.5 इंच, और यहाँ पे चेस्ट का मैं 4 भाग ले रही हूँ 10 इंच, बॉडी का मेजरमेंट के हिसाब से मैं ली हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आर्म होल में गोलाई, फ्रंट पल्ला और बैक पल्ला दोनों दे दी हूँ, और यहाँ पर थोड़ा शोल्डर डाउन कर देना है। उसके बाद में कमर का नाप लूँगी 4 भाग, यानी 8.5 इंच आ रहा है 34 का। उसके बाद 1 इंच लूँगी टैग के लिए 1 इंच, उसके बाद 2 इंच लूँगी मार्जिन के लिए। तो यहाँ पे एक निशान दूँगी मार्जिन के लिए, फिर अंदर की तरफ एक फिटिंग के निशान दूँगी, 2 निशान लगाऊँगी। तो यहाँ पर 2 निशान लग चुके हैं। उसके बाद में हम यहाँ पर 4 इंच के बाद हम टैकिंग के लिए निशान दे रही हूँ, ऊपर से 12 इंच पर हम यहाँ पर टैग के निशान दे रही हूँ। दोनों साइड से 1/2 इंच लेके इस तरह से सिलाई हम लगा देंगे टैकिंग के लिए, जो फिटिंग बैठे ऊपर के पार्ट में। उसके बाद में हम कटिंग कर लेंगे। तो कटिंग करने के बाद में सामने की तरफ में थोड़ा 1 इंच डाउन रखना है, जिससे कपड़ा का झूल ना हो। इस तरह से कटिंग कर लेना है बैक पल्ला और फ्रंट पल्ला। तो मैं दोनों पार्ट कटिंग कर ली हूँ, और टैग के निशान यहाँ पर दे रही हूँ, याद रहे, जिससे सिलाई मार्जिन और जो छोड़ी हूँ वहाँ भी लगा दे रही हूँ। उसके बाद एक पल्ला को मैं साइड कर रही हूँ, तो फ्रंट पल्ला ये सामने में, और थोड़ा सा आर्म होल का छटाई करूँगी। तो ये आर्म होल का छटाई हो चुकी है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे मैं गला के लिए निशान लगाऊंगी। तो ये एक पल्ला को साइड करने के बाद में मैं आपको बता रही हूँ फ्रंट पल्ला में। तो फ्रंट पल्ला में ये इस तरह से अपने के लिए जितना डीप चाहें उतना रख सकते हैं। मैं यहाँ पे 6.5 इंच डीप रखूँगी, आप इससे ज़्यादा भी रख सकते हैं, कम भी रख सकते हैं। फिर नीचे से मैं 5 इंच डाउन करूँगी इस तरीके से, और साइड से इस तरह से फीता लेके मैं जितना चाहूँ उतना निशान नीचे तक आप लगा सकते हैं। तो आपको जितना गहराई पसंद है उतना लगा सकते हैं, मैं यहाँ 5 इंच पर गहराई लगाई हूँ। इस तरीके से कटिंग कर लेना है। उसके बाद में कटिंग कर लेना है निशान के ऊपर। तो मैं यहाँ पे गहराई 5 ली हूँ, आप इससे कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अगर आपको पैंट के कपड़े से डिजाइन नहीं करना है तो आप सूट के कपड़े से ही बना सकते हैं सामने के डिजाइन। तो मैं यहाँ पे पैंट और सूट के डिजाइन के मेजरमेंट एक साथ मैं डिजाइन कर रही हूँ। तो उसके बाद में बैक पल्ला में फिर नेक के निशान लगाऊंगी, आप अपना हिसाब से कम ज़्यादा लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे 3 इंच के लगभग निशान लगा रही हूँ, और चौड़ाई 2.5 इंच लगा रही हूँ। उसके बाद में आइए हम देखते हैं नीचे का घेरा के लिए। तो घेरा आपका जितना कपड़ा का चौड़ाई उतना ले लीजिए, पर बैक पल्ला के लिए हम 28 इंच रखेंगे, क्योंकि 16 में से माइनस करके 28 बनता है। 42 में से मैं 2+ की थी, उसके बाद में आया था। उसके बाद में हमको बैक पल्ला उतना ही रखना है जितना आपको कुर्ती के लेंथ है। सिर्फ फ्रंट पल्ला में आपको 5 इंच एक्स्ट्रा लेना, इसलिए कि फ्रंट पल्ला में हम सेंटर से 5 इंच डिप किए थे। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपको याद आ जाएगा, यहाँ पे मैं 5 इंच डिप ली थी, तो इससे वजह से हम यहाँ पे 5 इंच ज़्यादा लिए हैं कुर्ती का लंबाई। और याद रखिए, सिर्फ फ्रंट पल्ला में ही 5 इंच ज़्यादा लेना है, बैक पल्ला में नहीं लेना। बैक पल्ला में सिर्फ उतना लेना है जितना आपको लेंथ की ज़रूरत है। तो मेरा मेजरमेंट के हिसाब से 42 इंच कुर्ती है, तो 2 इंच प्लस करके मैं 16 इंच के ऊपर का पार्ट कटिंग की हूँ, और नीचे का 28 इंच कटिंग की हूँ। इससे रेडी बन के आएगा 42 इंच। तो इस तरीके से कटिंग कर लेना है, घेरा डाउन। उसके बाद इस तरह से हम गैदरिंग करेंगे, आप छोटा बड़ा जैसे भी पसंद करती हैं उसे आप लगा सकती हैं आप। मैं यहाँ पर छोटा छोटा गैदरिंग की तरह लगाऊँगी डिजाइन। तो उसके बाद में ये तो आपको कटिंग समझ में आ गया। अब चलते हैं गला बनाएंगे। तो गला के लिए मैं भी सेब रखी हूँ, तो आप चाहे तो ज़्यादा भी सेब बना सकते हैं। मैं ज़्यादा भी सेब नहीं की हूँ, नॉर्मल भी में बनाई हूँ। तो यहाँ पे गला रेडी हो गया है। उसके बाद में हम
बनाएंगे बैक गला। तो ये बैक गला भी रेडी कर ली हूँ। इसके बाद शोल्डर ज्वाइंट करूँगी, तो शोल्डर को इस तरह से राइट के तरफ फोल्ड करके दोनों साइड में शोल्डर को ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पे शोल्डर भी ज्वाइंट हो चुकी है दोनों साइड, देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ। उसके बाद में टेक भी सिलाई कर दी हूँ यहाँ पे दोनों पल्ले में। तो उसके बाद में शोल्डर ज्वाइंट करेंगे। तो शोल्डर ज्वाइंट करने के लिए बाजू में इस तरह से कटिंग की हूँ, सूट के पल्ले से थोड़ा 8 इंच निकाली हूँ और 7 इंच निकाली हूँ पैंट के कपड़े से, और पट्टी जो बचा हुआ था सूट के कपड़े में घेरा में वो कपड़ा इस्तेमाल की हूँ बाजू में। इस तरीके से मैं रेडी की हूँ बाजू को। आप चाहें तो यहाँ पे सिंपल भी रख सकते हैं, आपका अपना पसंद। मैं इस तरह से रेडी करके रखी हूँ और शोल्डर को इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। तो दोनों साइड में शोल्डर यहाँ पे ज्वाइंट कर ली हूँ। तो शोल्डर ज्वाइंट करने के बाद बारी आता है यहाँ पे फ्रंट पल्ला में घेरा बनाने का। तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ घेरा बनाने के लिए। तो फ्रंट पल्ला हम इस तरह से निकालेंगे और सामने किनारे से 2 इंच छोड़ के बाकी इस तरह से फिल लगाएंगे। तो हम दोनों साइड से 2-2 इंच छोड़ के मैं आपको ज्वाइंट करके दिखा रही हूँ। देखिए इस तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों साइड में ज्वाइंट कर ली हूँ, यहाँ बैक पल्ला में और फ्रंट पल्ला में दोनों साइड ज्वाइंट हो गई है। उसके बाद में आपको ये दिखाते हैं। तो ये देखिए फाइनल यहाँ पे इस तरह से ज्वाइंट हो गया है। उसके बाद नेक पे हम लेस लगाएंगे। तो नेक को किसी एक साइड से पकड़िए इस तरह से लगा के, फिर राइट साइड घुमा देना है, फिर दूसरे साइड नेक के ऊपर लगाना है। इस तरीके से डाउन करके नीचे की तरफ लेफ्ट साइड जाना है। इस तरह से आसानी से लग जाएगा। ये रेशम का लेस है, आप चाहें तो लेस की जगह कपड़ा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका मर्जी हो तो बटन भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे सूट का ही बटन ही लगा रही हूँ, मैं एक्स्ट्रा कुछ नहीं लाई हूँ। और ये एक बिल्कुल टिकाऊ सस्ता कपड़ा से मैं डिजाइनर कुर्ती बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं चाक 11 इंच पे लगा रही हूँ। तो फिटिंग यहाँ पे मैं कर चुकी हूँ। तो यहाँ पे फिटिंग होने के बाद में उसके बाद आता है चाक फोल्ड करने के लिए। तो 1/2 इंच के दबाव देते हुए यहाँ पे फोल्डिंग चारों तरफ कर लेना है, सिलाई लगा लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे लेस लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे लेस नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये डेली वेयर के लिए मैं ड्रेस तैयार की हूँ। आप चाहें तो पार्टी वेयर के लिए आप सेंसेटिव कपड़ा या जर्जेट का कपड़ा से डिजाइन करके पार्टी वेयर बना सकते हैं। मैं सूट कॉटन के ही बना रही हूँ। तो आपको ये डिजाइन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। अगर कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकती हैं, नहीं तो आपको वीडियो दोबारा देख के रुक रुक के कटिंग कीजिए, सिलाई कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये अभी बहुत ट्रेंड में है, चल रहा है आलिया कट कुर्ती। आप एक बार ट्राई करके ज़रूर बोलिए। आप लोग अगर ट्राई किए हैं तो कमेंट करके बोलिए कि हाँ आप मैं आपका वीडियो देख के ट्राई की हूँ। तो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे।